सिंपली मी वेयर आर यू गोइंग, आप जा कहाँ रहे थे? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और कुरान मजीद का ये एक अनोखा अंदाज है कि इट आस्क यू क्वेश्चन, यू नो यू आर गोइंग समवेयर, यू आर पीसफुल इन योर लाइफ एंड सडनली यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई जवाब तो दीजिए, वेयर आर यू गोइंग? कभी कभी लाइफ में ऐसे चौंका देने वाले सवाल कुरान मजीद पूछता है। एक ऑथर जेफरी लैंग है जो अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं गालिबन मैथमेटिक्स के, जो कई 25 साल पहले मुसलमान हुए, वो कहते हैं कि कुरान एक अजीब चीज है कि कभी राइट से अटैक करता है, कभी लेफ्ट से अटैक करता है, कभी यूं मड़ो तो वहां से आ जाता है, कभी यूं मड़ो तो यहां से आ जाता है, मगर इंसान को छोड़ता है, जवाब देने पर मजबूर करता है कि यू टेल मी वेयर यू आर गोइंग। इन अदर वर्ड्स, मैं इन आयात की तफसील बताते हुए आई वुड लाइक टू यूज द कुरान इटसेल्फ टू काइंड ऑफ ब्रिंग मीनिंग टू दिस। देखिए, वेयर एवर वी आर, व्हाट एवर वी आर डूइंग, इट्स वन ऑफ लाइफ्स ग्रेटेस्ट गाइडेंस दैट वी हैव फ्रॉम अल्लाह सुब्हान व तआला इज टू आस्क आवरसेल्फ्स दिस क्वेश्चन, अपने आप को यह सवाल कर, मैं ये कर क्यों रहा? एक फ्रेंच में एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, पोरक्वा, फॉर व्हाट, सिंपल, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या नतीजा निकलता है, मतलब क्या है? You know, having a meaning in life, having meaning and a direction in life, where are you going? इस सिलसिले में अगेन कुरान मजीद का ये एक कायदा है और एक सेंट्रल बिलीफ है कि एक रास्ता सीधा है, सिरात मुस्तकीम है, सवाए सबील है, स्ट्रेट पैथ, बैलेंस्ड पैथ, वन वे, वर्सेस, कुरान में कई बार ये आता है, वर्सेस सुबुल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, आप देख लीजिए सूरह अनआम में देख लीजिए, चैप्टर 6 वर्स 153 कहीं आता होगा, जिसमें ये बात आती है, वो अन्न हाजा सिराती मुस्तक, ये रास्ता मेरा है और ये सीधा है, फत्तबियु, कि इस रास्ते पर आप तुम चलो, मेरी बात सुनो, मान लो और इस रास्ते पर चलो, वला ततफर्रख बिकुम अन वला तत्तबियु सुबुल, अल्फाज देखिए सुबुल का आता है, वहां हाजा सिराती एक रास्ते की बात में आई, एंड इन कॉन्ट्रास्ट यू गेट सुबुल विच इज द प्लूरल, के जिंदगी में चलने के लिए इतने रास्ते हैं, इतने रास्ते हैं, इतने गलियां हैं, इतने बारीक रास्ते हैं, विच ऑल लीड यू टू जहन्नम, यू गो एस्ट्रे एंड बेकार हो जाएंगे आप। उसी सूरत की बिगनिंग में, सूरह अनआम की बिगनिंग में एक बहुत अच्छी बात आती है, दूसरे या तीसरी आयत देख लीजिए सूरह अनआम की चैप्टर 6 की, के वहुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा खदा अजला वाजलु मुसम्मन सुम्मा अंतुम तमतरून वहुवल्लाहु फिस्समावाति वफिल अर्द यालमु सिर्रकुम वजहरकुम वयालमु मा तकसिबून। नहीं, उससे पहले आयत वाली, यानी जुलुमात का लफ्ज इस्तेमाल होता है, नूर, नूर एक, जुलुमात मुख्तलिफ, यानी वन ऑफ द फंडामेंटल बिलीव्स दैट वी हैव इज there is only one straight path and there are many many other paths, ek concept ye rakh lijiye aap। dusri surah baqara ki ayat number 147 145, wali kullu wijhatun huwa mawalliha fastabiqul khairat, wali kullu wijhatun, every human being, you me, hum sab ka ek direction, एक रुख होता है, टूवर्ड्स विच वी आर ऑल गोइंग। कोई लंदन की तरफ निगाह रखा है, कोई न्यूयॉर्क की तरफ निगाह रखा है,
कोई पेरिस की तरफ निगाह रखा है, कोई दिल्ली की तरफ निगाह रखा है। हर आदमी कुछ ना कुछ उसके मत में है, नजर में उसका नजबुलैन, यू नो ही हैज अ डायरेक्शन इन विच एवरी मैन गोज। वली कुल्लिम विजहतु हुआ मौलिहा फस्तबिखुल खैरात, और तुम खैरात का रास्ता, नेकी का रास्ता, अच्छाइयों का रास्ता, खैर का रास्ता, भलाई का रास्ता, ये तुम इख्तियार तुम कर। कुरान इस सबील और रास्ते को मुख्तलिफ अंदाजों से बताता है। सूरतुल लैल जानते होंगे, सूरा चैप्टर 92 है। वल्लैलि इज़ा यख्शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ अज़्ज़कर वल्उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता, इन्न सअयकुम लशत्ता। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इट्स मीनिंग इज़? कितने लोग हैं, कोई एक हाथ उठाकर जवाब दीजिए ना। इन्न सअयकुम लशत्ता, सअयकुम लशत्ता, यस ज़ैद, अमार, सईद, हूएवर, आंसर दैट। इन्न सअयकुम लशत्ता क्या मीनिंग होता है? डिफरेंट, योर एफर्ट्स आर डाइवर्स, यानी इंसान चाहे तुम डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो कि क्या पढ़ते हो, ये इंडिया में रहो या अमेरिका में रहो, एवरीबॉडी ऑल्दो अपेरेंटली इज डिफरेंट, उम्र के लिहाज से, पैसों के लिहाज से, सलाहियतों के लिहाज से, इल्म के लिहाज से अलग अलग है, बट फाइनली एवरीबॉडी कैन बी ब्रॉट इंटू टू कैटेगरीज। सबके कोशिशें मुख्तलिफ हैं, मगर फसनुयस्सिरुहु लिल्युस्रा, यानी एक साइड में क्या है, एक रास्ते में देना तख्वा, अल्लाह से डर कर रहना, और तीसरा वसद्दख बिलहुस्ना, हर अच्छी चीज को पर सादिखाना, और दूसरी तरफ व अम्मा मन बखिला वस्तगना व कज़्ज़ब बिलहुस्ना, ये एक रास्ता। देयर आर टू डिफरेंट रोड्स, रिगार्डलेस, बोलने के लिए डॉक्टर हैं, बोलने के लिए इंजीनियर हैं, बोलने के लिए आलिम हैं, बोलने, ये सब ऊपर की बातें, असल देखने की चीज क्या है, आप कौन से रास्ते में हैं, विच डायरेक्शन आर यू इन, देने के रास्ते में या बखीली के रास्ते, जोड़ने के रास्ते में, होर्डिंग के रास्ते में, जमा जमा कर, सैंत सैंत कर। वैलुल्लिकुल्लि हुमज़तिल्लुमज़तिन इल्लज़ी जमा मालों व अददा, गिन गिन के रखना, जमा मालों करना उसमें है, या कमाना देना, कमाना देना, इस रास्ते पर। फ़ाइन तस्बुन, वेयर आर यू गोइंग? कुरान इस रास्ते से जो हट गए हैं, ऐसे अल्फाज से उनको डिस्क्राइब करता है। सूरह मुदस्सिर में चैप्टर 74 में एक आयत उसके टुवर्ड्स दी एंडिंग मिलती है, गालिबन 49 देखिए सूरह मुदस्सिर में वो आयत आती है, फमा तनफहुम शफातु शाफीहिन शाफीइन फमा लहुम अनि तज़किरति मौरिदीन। क्या बात है, एराज करना, मौरिदीन कौन होते हैं? अरे तुमको अल्लाह के रसूल बुला रहा है, इतने प्यारे आपको बातें बता रहे हैं, फिर भी आप मुंह फेरे बैठे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं, क्या बात है? वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू कि तुम अपने आप को मोड़ मोड़, पता आपकी जिंदगी कैसी है? कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफिरा, यू आर लाइक वाइल्ड एसेस, वाइल्ड डॉग्स कहा, फर्रत मिन खसवरा, के शेर से डर के जंगल में यूं भाग रहे, किसी को होश और हवास नहीं। इंसान की जिंदगी पर कभी नजर आप डालेंगे, इफ यू लुक एट हाउ वी लिव एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दिस इज, मैडनेस, कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, सबको टेंशन, परेशान है, बेहोश है, कोई माँ बाप को छोड़कर कहीं भाग गया, कोई बीवी बच्चों को छोड़कर भाग रहा है,
पूरा वक्त पूरा जहन वो आईबीएम को चलाने और ओरेकल को चलाने, गवर्नमेंट को चलाने, पता नहीं क्या क्या चल, खुद की जिंदगी नहीं चल रही है, खुद का बीपी ठीक नहीं है, खुद का शुगर ठीक नहीं है, खुद को अल्लाह को याद करने को टाइम नहीं है, सेहत बनाने को टाइम नहीं है, रिश्तेदारी और दोस्ती मेंटेन करने को टाइम नहीं है, बीवी बच्चों से गुफ्तगू करने के लिए टाइम नहीं है। भाई कर क्या रहा है तू, क्यों ऐसी जिंदगी गुजार रहा है? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? यू आर लाइक अ वाइल्ड एस, यू आर अ डोंकी, जो पागल हो गया है। फर्रत मिन खसवरा, डर के गोया बैलों से, शेर से डर कर जो परेशान हो जाता है। इस तरह आप दौड़ धूप कर रहे हो अपनी जिंदगी में, अपने आप को देखें। सूरह नाम में ही एक और डिस्क्रिप्शन इसका मिलता है कि लोगों का खुला नदू मिन दुनिल, वर्स 71 होगा चैप्टर 6 में, قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله, कि क्या मैं इस रास्ते को छोड़कर कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करूं जिसमें कोई फायदा बख्शने वाला भी कोई नहीं है, नुकसान देने वाला भी मुझे बचाना कोई नहीं है, और अल्लाह को छोड़कर मैं कोई और रास्ता इख्तियार करूं? कल्लज़ी इस्तहवतहु शयातीन फिल अर्द हैरान, अल्फाज देखिए, हैरान और परेशान जैसा लोग घूमते रहते हैं, मैं वैसा बन जाऊं? शुड आई लूज माय पीस ऑफ माइंड, ऐसी जिंदगी मैं गुजारूं? सोचिए कि मैं हैरान बनकर शैतान जैसा घूमते रहते हैं। आप कहीं सिटीज में जाकर देख लीजिए, लोग कैसे कैसे पागल ड्रेसेस पहन रहे हैं, कपड़े नहीं पहन रहे ठीक से, अपने बाल कैसे बनाए हुए हैं, अपनी डांसिंग कैसे कर रहे हैं, कान में, नाक में, आंखों में, पेट में, सब जगह चुबा चुबा के पिन्ना रख लिए, कपड़े ऐसे पहनते हैं अल्लाह आलम सांस निकल जाए इंसान, घरों में ना पीस, खाते ऐसे ऐसी चीजें हैं, स्मोक करते हैं, शराब पीते हैं, कोई होश नहीं उनको कि कर क्या रहे, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं मगर उसका होश नहीं। जैसा शैतान किसी को छूर का बावला बना देता है, पागल बना देता है, ऐसे पागल बनाकर लोगों को घुमा रहे। कभी लव के चक्कर में आ गया तो लव के चक्कर, कभी पढ़ने के नीट एग्जाम और सीईटी एग्जाम में आ गया तो सीईटी एग्जाम के चक्कर, कभी सेहत और जिम करने लगा आदमी तो जिम करता बैठ जाए। अरे कोई तवाजुन नहीं, कोई बैलेंस नहीं, कोई ये भागते भागते एकदम एहसास होता है अरे अरे मुझे ये भी करना था तो चलो इधर भागेंगे, फिर उधर जाके भाग के फिर उधर परेशान होता है कि हमने ये भी छोड़ दिया, चलो इस तरफ आ जाए। इंसान को कभी राहत नहीं उसकी जिंदगी में। व्हेन ही इज डायरेक्टेड बाय हिज ओन सेल्फ यू विल सी that he starts believing in something. For example, he starts believing that money is everything. So, he runs towards money. Uske liye kya kuch karna hai, sab kuch karta hai. Paisa jata, 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 jata hai, usko ehsaas ho jata hai. Arre, meri biwi pareshan hai. Usko khush karna hai. Chalo idhar biwi ko khush karte hai. Udhar malum hota hai ki maa-baap pareshan hai. Maa-baap ki taraf chale jata hai. Phir uske baad dostiyan karne, dostiyan, din mein bhi riyani, raat mein bhi riyani, dosti, cigarette, usme pad jata hai. Phir bachche kharab hone lag jate hai. Phir bachchon ki taraf chale jata hai. Phir udhar business kharab hota hai. Business taraf aa jata hai. Is taraf COVID aa jata hai. Life is a system where we are pulled in many, 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 many directions. Itna khinchao hai. कि इंसान अगर खुदा के सामने झुक ना जाए और ये पुकार उसके दिल में ना आ जाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तुझे सीधा रास्ता दिखा दे, मुझे सवाय सबील दिखा, मुझे वो बैलेंस्ड पाथ दिखा कामयाबी का, और तू ही बता सकता है। आई कांट गाइड माई सेल्फ, वल्लाहु यालमु वंतुम ला ताअलमून, अल्लाह जानता है और तुम इस चीज को नहीं जान सकते हो। कुरान में कई बार ये बात आपको मिलेगी कि सवालिया जो अंदाज है कुरान का, वेयर आर यू गोइंग, सूरह इन्फितार में चैप्टर 82 में, फौरन इस सूरह के बाद, तकवीर के बाद जो सूरत मिलती है
उसमें एक सवाल करता है अल्लाह ताला, या यूहन्ना मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, वो क्या चीज है तुम्हें जो तुम्हारा रास्ता खुदा से हटकर कोई और रास्ता तुमने जो चुन लिया है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, क्यों ऐसा किया आप? आपका करीम आखा, आपका करीम खालिक, आपका रहम दिल रब, उसको तुमने छोड़ दिया और लोगों के पीछे पड़े हुए, पॉलिटिक्स के पीछे पड़े हुए, टीचर्स के पीछे पड़े हुए, दोस्तों के पीछे पड़े हुए, कौन मदद करेगा आपको? ये रास्ते से किसने हटा दिया तुम्हें? अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुम्हें बनाया, तुम्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया, गुर्दा दिया, आंख दिया, दिमाग दिया, दिल दिया, कलीजा दिया, हर चीज दिया, चमड़ी दिया, हड्डियां दिया, सब कुछ दिया, और आप कहीं और चले गए? क्या है इतनी नमक हरामी इंसान की, अल्लाह को तुम भूल गए? व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर यू, वेयर आर यू गोइंग, मुझे छोड़कर कहीं और जा रहे हो? वाह, घोड़े तो इससे बेहतर है, والعاديات ذبحا فالمغيرات صبحا فعصرنا به نقا فوسطنا به جمعا ان الانسان لرب ان الانسان کے انسان اپنے رب کا ناشکر ہے, اس کو چھوڑ کر وہ بات آتی ہے کہ تم شاہد ہو کہ تمہیں مال پیارا ہے, مال جمع کر, जाओ सऊदी को जाओ, गल्फ को जाओ, अमेरिका को जाओ, सुकून मिलेगा तुम्हें माल से, बना लो एक घर, देखो बच्चे कैसे हाथ देते हैं, देखो बीवियां कैसे निकलते हैं, देखो माँ बाप का अंजाम क्या होता है, देखो सोसाइटी का अंजाम क्या हुआ, बर्बाद हो गए तुम माल के पीछे, जमाने के पीछे, अल्लाह ने जो रास्ता दिखाया उसको छोड़ दिया, और दोस्त जो बोले, जमाना जो बोला, बीवियां जो बोले, माँ बाप जो बोले, और बड़े बड़े मैनेजमेंट किताबें पकड़ पकड़ के की टू सक्सेस, और वो सेवन स्टेप्स टू सक्सेस, और पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे किताब, ये किताबें पकड़े हैं, अल्लाह का रास्ता छोड़कर ऐसे रास्तों को इख्तियार करना वाकई बड़ी अजीब बात है। कुरान बार बार इंसान को याद दिलाता है कि दो रास्ते हमेशा दिखाते हैं। सूरह आल इमरान की उस आयत को उठा लीजिए, सूरह आल इमरान चैप्टर 3 है, बहुत प्यारा सूरह है, आयत नंबर 140, वो आयत नंबर वो आता है, देखिए वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिहिर रुसुल أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ somebody search that please it should be around 147 kuch hoga ye surah surah iske andar 3 mein kya hai وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ کہ زندگی میں دو راستے, دو راستے, اس میں آپ سوچ لیجئے آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا, where are you going, which way have you taken, ایک راستہ بتایا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا, یہ ایک راستہ ہے کہ آپ 144 ہوگا, اوکے 144 کہ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا कि तुम दिल ही दिल के अंदर, ये सब बोलने की बातें नहीं है, बोलने को टोपी है, दाढ़ी है, सब है, बोलने को सुभान अल्लाह माशाल्लाह है, मगर दिल की जो ख्वाहिश है ना, वो माल की, गिनने की, जमाने की, ये वो मैं यूरिद सवाबत दुनिया, मगर अल्लाह का वादा भी देखिए, अगर आपने माल का इरादा किया, वो मैं यूरिद इरादा सवाबत दुनिया, सवाबे दुनिया का इरादा तुमने किया ना, इसीलिए पढ़ रहे हो ना, दैट इज व्हाई यू आर डूइंग मेडिकल इंजीनियरिंग, जो कुछ करते हो, सुबह में उठते हो, शाम में सोते हो, जो लिबास पहनते हो, एक्चुअली वी विल कम टू दैट लेट, एवरीथिंग इज डायरेक्टेड टू वन गोल,
एंड व्हाट इज दैट सवाबे दुनिया. अल्लाह ताला कहते हैं ठीक है आप वो कर लीजिए आपको मिलेगा. अल्लाह का वादा है वो मैं यूरिद सवाब दुनिया नुतिही मिन्हा यू विल गेट इट एंड आई विल गिव इट टू यू वो मैं यूरिद सवाब अल आखिरत नुतिही मिन्हा को समझ से शाद. जो लोग कुछ लोग हैं जो दुनिया को पहचान लेते हैं दुनिया की आरजी नेचर को पहचानते हैं कि हम दुनिया में रहने के लिए नहीं. हमारे से पहले जो लोग थे कि फिरौन की बीवी थी उसने क्या जवाब दिया क्या दुआ की अल्लाह से क्या हम ऐसे दुआ करते हैं. मैं हमेशा से पूछता हूं हमारे नौजवान साथियों को जब आप अल्लाह के सामने हाथ बांध कर जो दुआ अल्लाह के सामने नमाज के लिए खड़ते हैं और कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता बता वो कौन से उलझने हैं वो कौन से कंफ्यूजन हैं वो कौन सी डार्कनेस है जिसमें आप रोशनी चाहते हैं आपका कौन सा मसला है जो अल्लाह ताला से आप मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे हल कर. और अक्सर मेरे दोस्त और अहबाब यही कहते हैं ऐ अल्लाह मुझे एग्जाम में पास करा दे ऐ अल्लाह मुझे ये जॉब दिलवा दे ऐ अल्लाह मुझे ये प्रमोशन दिलवा दे ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को एग्जाम में पास करके वो सीट दिलवा दे. एवरीथिंग हैज टू डू विद दुनिया के मसाइल ऐ अल्लाह ये मेरी चीज गुम हो गई तो वो दिलवा दे या ऐ अल्लाह ये पुलिस का केस हो गया किसी तरह मुझे जितवा दे. यानी everything has to do with personal, with selfishness, with the dunya and bas yahan ka akhirat ki sochna ke allah ho jo yahan par hone do. dekhiye abhi jo aapne surah al imran ki ayat padhi 144 wali uske baad dekh lijiye wo rasta kaun sa hai mujahideen ka rasta kaun sa hai nek logon ka rasta kaun sa hai وَكَأَيِّمْ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعْهُ رِبِّيُّ وَنَسِيرُ جو ثواب آخرت پر آگے بڑھے وہ کون سے راستے میں گئے میڈیکل کے انجینئرنگ کے میڈیکل گورنمنٹ جاب کے سعودی کے سوچنے کی بات وہ کون سا راستہ ہے وَكَأَيِّمْ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعْهُ رِبِّيُّ کثیر کتنے نیک لوگ آپ سے پہلے اللہ والے ربیون کہا رب سے یہ لفظ ہے ربیون اللہ والے لوگ کیا کرتے تھے انبیاء کے ساتھ مل کر لڑا کرتے تھے اللہ کے راستے میں ظلم کو ہٹانے کے واسطے جدوجہد کرتے کوشش کرتے دنیا کے اندر اپنا سب کچھ کھو دیتے تاکہ اللہ کا نام اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے دنیا سے فتنہ اور فساد مٹ جائے امن اور انصاف قائم ہو جائے اس کے لیے کوشش کرتے اپنی روزی کے لیے اپنے پیٹ کے لیے اپنے درد کے لیے اپنے دکھ کے لیے نہیں. دیکھیے اب یہ لوگوں کو کہ جنگ کے لیے گئے ہیں نبیوں کے ساتھ یہ راستہ دیکھیے اور کیا ہو رہا خاتل مبی ربیون کثیر فما وہنو لما اصابہم فی سبیل اللہ جب بھی ان کو چوٹ لگی اللہ کے راستے مصیبت آئی مار پڑا فما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استكبروا they did not show weakness nor did they show تھکان tiredness they did not give up بڑی جیت تھی. پھر جب مار پڑ گیا اور اللہ سے دعا کرنے کا موقع ملا یہ راستہ دیکھیے look at the direction that these people are taking look at yours direction and my direction میں اور آپ ہوتے تو بولتے اے اللہ تیرے راستے میں ہم لڑ رہے تیرے راستے میں مار کھا اب تو کسی طرح میرا ہاتھ کو ٹھیک تو کر دینا اب تیری ذمہ داری بنی نا اپنے درد کی اپنے دکھ کی اپنے کمبر کے درد کی یہی باتیں اللہ کے سامنے ہم کریں اور وہ لوگ کیا کرتے تھے ہاتھ کٹ گیا پیر کٹ گیا اور دعا کیا ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ تو ایسا کیوں کیا ایسا نہیں ہے کمپلینٹ نہیں ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا کہ اے اللہ توبہ استغفار میرے سے کیا گناہ مجھے جنت میں جانا ہے دیکھ میں کچھ کر لیا ہوں تو مجھے معاف کر دے میری زندگی تیرے لیے
मुझे कहीं मार पड़े इसका कोई टेंशन नहीं है मुझे, तू मुझे माफ कर, वो सब भी तख्दामना, और कहीं ये चोट खाकर मुझे ढिल्लू खामत बना, मुझे ताकतवर बना, मैं कहीं ये चोट खाकर नहीं भाई अब नहीं होता बहुत सुस्त हो गया, एक अंग एक उंगली मेरी टूट गई, अब मैं क्या पूरे पांच उंगलियां टूटाने बैठा अल्लाह के रास्ते में, चल हट पहला, ये एक उंगली क्या पूरी जान भी दे, जान देने के बाद ये ख्वाहिश के और 60 जाने हमें मिले और वो भी लुटा दें अल्लाह के रास्ते। सूरह बकरा में एक आयत मिलती है चैप्टर 2 में, आयत नंबर 2008 के करीब आती होगी, 2008 या 2006 देख लीजिए, कि ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله, इंसानों में बहुत किस्म के लोग, कोई खैरात के 2-4 रुपये डाल देता है, किसी को खाना खिला देता है, कभी 2-4 रकात नमाज भी पढ़ लेता है, कभी रोजे भी पढ़ लेता है, मगर ये इंसान देखिए, ये रास्ता देखिए, ومن الناس من يشري نفسه, क्या अल्फाज, ये इंसानों में से कुछ लोग हैं जो अपनी जिंदगी को, अपने जान को, अपने नफ्स को बेच देते, गिव इट ऑफ, इससे कोई मतलब नहीं है, जीने से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस ए अल्लाह तू राजी हो जा, तू खुश हो जा, ये मेरी जिंदगी, दिस इज माई डायरेक्शन, माई डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में जा रहा, ये इंपॉर्टेंट, क्यों भाई मेडिकल करता, मुझे बहुत इंटरेस्ट, 2 करोड़ रुपया कै को भेज देते हैं एमडी सीट के लिए, नहीं मुझे मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, लोग बोलते हैं सऊदी वदी से आकर, मेरे एक बेटे को मैंने डॉक्टर बना दिया, एक बेटे को मैंने इंजीनियर बनाया, थू हो तुम पर, बच्चों को खुद कुछ बनने नहीं देते, बनाया जाता है, कौन से डायरेक्शन में तुम हो मेरे भैया, जन्नत वाले तो बनाओ, उसके लिए कितने करोड़ खर्चेंगे आप ये बताइए, उसके लिए कितना वक्त दे लेंगे, मालूम है जन्नत की ख्वाहिश है मगर जा कहीं और रहे। हमारे एक मौलाना साबिक अमीर जमात मौलाना सिराजुल हसन साहब से बहुत अच्छा बोलते थे, कहते खदम यानी चलने का है ना खदम, सूए मरखद, मरखद खबर को कहते हैं, ग्रेव को कहते हैं, उस खड्डे को कहते हैं जिनमें हम सबको डाला जाएगा उतारा जाएगा, खदम, वी आर वॉकिंग एवरी डे, एवरी मोमेंट द क्लॉक इज टिकिंग, वी आर गोइंग टूवर्ड्स अवर ग्रेव, याद रखिए इस चीज, खदम हमारे जो चल रहे हैं सुए मरखद हैं, नजर सुए दुनिया, जा रहे खड्डे में देख रहे हैं कहीं और, खदम सुए मरखद, नजर सुए दुनिया, किधर जा रहे हो, कहां देख रहे हो, वेयर आर यू गोइंग एंड वेयर आर यू सीइंग, अरे गाड़ी सामने देखकर तो चलाओ, जा रहे कहीं और देख रहे कहीं, दुनिया की तरफ देख रहे, जहन्नम की तरफ जा रहे, क्या पागल हो गए तुम लोग, फाइनत जबून, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू सीइंग, यू लॉस्ट योर वे, गेट बैक। सूरह हदीद में 57 में आयत नंबर गालिबन 8 होगी कि आमीनु बिल्लाहि व रसूलिहि, आमीनु बिल्लाहि व रसूलिहि व अनफिकु मिम्मा जअलकु मुस्तखलफीन फी फल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अनफिकु लहुम अजरुन कबीर व मा लकुम। देखिए ये भी सवाल है, ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है कुरान मजीद, व मा लकुम, क्या जी हो गया तुम ना, व्हाट इज रॉन्ग विद यू मैन, इज आस्किंग यू, हमेशा कुरान पढ़ते हुए इस सवाल को अपने आप को पूछ लीजिए, अरे क्या पागल हो गया तू, वो मालिक हो ला तू मिनू ना बिल्ला, तेरे को ईमान नहीं अल्लाह पर, वहां जाके मर रहा, वहां जाके शादी कर रहा, वो किताब पढ़ रहा, इसमें वक्त गुजार रहा, ऐसे दोस्त रखा है तू, कहां जा रहा है यार, क्या कर रहा तू, वॉट इज रॉन्ग विथ यू, वो मालिक हो ला तू मिनू ना बिल्ला, तेरे को अल्लाह पर ईमान नहीं है क्या, وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ, رسول تمہیں کھینچ کھینچ کر بلا رہا اور تم بھٹک بھٹک کے جا رہے, بھٹک بھٹک کے جا رہے اور رسول تمہیں پکار رہا ہے, بلا رہا,
किसकी तरफ बुला रहा है? याद दिला रहा है, देखो तुमने वादा किया था, तुमने अल्लाह से वादा किया था, तुमने ईमान का वादा किया था। क्या वादा किया था? हमने वादा किया था अल्लाह से, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमने वादा किया अल्लाह से कि हम आंखों को उसकी खयानत नहीं करेंगे, उसे हिफाजत करेंगे, इन आंखों को पाक रखेंगे, तखवे के आंख रखेंगे। मगर तुम कहां देख रहे हो? मालूम है, मालूम मालूम पड़ जाता है कौन सा रास्ता इख्तियार किया है। तुम्हें सुकून मॉल में मिलता है कि मस्जिद में मिलता है? मालूम है, मालूम है। देख लो मॉल में बुरखे वाले कितने फिरते घूमते, देख लो। वहां जाके आइसक्रीम खाना, वो भी बैस्किन रॉबिन्स का आइसक्रीम खाए तो पेट भी ठंडा, दिल भी ठंडा, दिमाग भी ठंडा। ऊपर बुरखा, बड़ी दाढ़ी, खा रही सब लगाओ, टाइम मगरिब भी गई, इशा भी गई। बहुत मोहब्बत है अल्लाह से, रसूल से, ईमान से। कहां जा रहे भैया? फाइना तो सबून, वेयर आर यू गोइंग? देखिए ये जानने के लिए कि इंसान कहां जा रहा है, कैसे पता चलता है? बोलने की बातें अलग हैं। सी द डायरेक्शन यू गो, द डेस्टिनेशन यू टेक, हाउ विल यू नो दैट? वो जानने के लिए आप अपना डेयरी में आपका टाइम देख लीजिए। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। आप कितने घंटे सोते हैं? 8 घंटे तो अक्सर लोग सोते हैं, 8 से ज्यादा सोना सही नहीं, 6 से कम सोना भी सही नहीं, इंसान पागल हो जाएगा। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अलग अलग बनाया, कुछ लोग कम सोते हैं, कुछ लोग ज्यादा सोते हैं। फिर बाद में क्या करते, खाने में कितना टाइम? ओहो, खाने पर इतना इंतजाम, पूरा हलाल खाना, नथिंग रॉन्ग अबाउट, अगर जान खाने का, दिल खाने का, अरे क्या रे, खा खा के काय को मरता? क्या तू, यू डू यू ईट टू लिव और लिव टू ईट? विच डायरेक्शन आर यू इन? इतने इतने बड़े बेटा बोलते सो क्या करते, जन्नत को जाना? फअइन तज़हबून, खा खा के पेट में फाड़ के मर जाएगा? जन्नत को मोटे लोग नहीं जाते, ऐसे नहीं। देखो वो तालिबान लोग कैसे, कोई मिलेगा आपको इतना बड़ा पेट वाला? नहीं मिलते। तो बात ये है कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन व्हाट, दैट विल टेल यू विच डायरेक्शन यू आर इन। अपना हिसाब किताब डाल लीजिए। बोलने के बाद लखुल्ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है वो काम, अपना टाइम टेबल देखो, मालूम पड़ जाएगा। फाइन तज़हबून, वेयर आर यू गोइंग? टाइम जब हो जाए मुझे बताएं भाई, वरना आई विल एक्सीड माय टाइम। रजा साहब, एनीवे, सो वन इज वेयर डू यू स्पेंड योर टाइम एंड दैट विल टेल मी विच डायरेक्शन यू आर गोइंग। दूसरी बात, एक तो वक्त है, दूसरा क्या है? आपका डेली रूटीन, वही टाइम। तीसरा, आप कल टुमारो मॉर्निंग व्हेन आर यू गोइंग टू गेट अप? क्या टाइम पे आप उठेंगे सुबह में? क्या टाइम पे सोएंगे? क्यों सोएंगे इतने टाइम पर, और क्यों उठेंगे उस टाइम पर? नहीं, बच्चों को स्कूल भेजना है। अच्छा, बच्चों को स्कूल भेजना है इसीलिए उठते हैं? मालूम है तुम्हारा दिल कहाँ है, कौन से डायरेक्शन में? हमको पता चल गया, नमाज के लिए उठना, उसके लिए जल्दी सोना, नींद नहीं आई तो भी सो जाना, उठना है इस बार। الصابرين والصادقين والخانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، نیک لوگوں کی خاصیت آپ دیکھ لیجیے خدا، نیکی چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، صراط مستقیم چاہتے ہو، کہاں سے وہ راستہ ملے گا آپ کو بغیر جلد سونے کے اور صبح جلدی اٹھنے کے؟ सुबह 4 बजे उठिए। आपके अलार्म कितने बजे है? बच्चों की स्कूल होती है ना तब, संडे को ऐसा मार के सो जाएंगे। फाइन था सबो, किधर जा रहे? मालूम है, सोच लीजिए वक्त क्या है आपके सोने का, वक्त क्या है आपके सुबह को जागने का। हाउ डू यू प्लान योर लाइफ? हाउ डू यू डिवाइड योर टाइमिंग्स? डू यू डिवाइड इट अराउंड नमाज टाइमिंग्स? और नमाज वक्त आ गया तो पढ़ लेंगे, कहीं जाना है तो जाते, नहीं नहीं, फजर से जोहर, जोहर से असर, असर से मगरिब, मगरिब से ईशा। हाउ डू यू डिवाइड योर डे?
That will tell me which direction we are all going up. आपका पैसा चिता रहा है, कितना खर्च कर रहे हैं, कहां लगा रहे हैं? सूरह निसा में एक बड़ी प्यारी आयत मिलती है, शैतान अल्लाह ताला से चैलेंज लेता है, शैतान अल्लाह से चैलेंज लेता है और कहता है ठीक है ऐ अल्लाह, तू इन बंदों का क्या लेगा? पांच वक्त की नमाज पढ़ना ठीक है, तू पढ़ा ले, ग्रांटेड, शैतान अल्लाह को ग्रांट करता है, तू ले ले, कितना जकात, कितना 2.5% ले ले, 2.5% जकात ले ले, पांच वक्त की नमाज ले ले, साल का जिंदगी का हज ले, बाकी जो बचता है ना, कितना बचता है 2.5% निकाले तो 97.5, कितना बचता है 1-2 घंटे नमाज के निकाल दिए तो 22 घंटे, कहते हैं वो मेरे, वो शैतान के 2 घंटे, अल्लाह के 22 घंटे शैतान के। फाइन तज़बून, वेयर आर यू गोइंग? निशाब नमाज पढ़ लिया, मैं नमाज पढ़ लिया, बाकी के जिंदगी कहाँ की डायरेक्शन है? उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, अल्लाह को ये पसंद नहीं, क्या शैतान थोड़ा भी हिस्सा हमारा वक्त का, हमारी जिंदगी का, हमारे पैसों का वो ले, बेकारगी कर, वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ, अल्लाह ताला मुसरिफिन को पसंद नहीं करता है जो वक्त जाया करें, पैसा जाया करें, खाना जाया करें, पानी जाया करें, सलाहियत को जाया करें और कहते हैं कि मैं जन्नत को जा रहा हूं। अच्छे अच्छे दुआएं हैं, यू टेल मी द कॉन्टैक्ट्स ऑन योर फोन एंड आई विल टेल यू विच डायरेक्शन यू आर गोइंग इन, यू टेल मी हु यू स्पेंड योर डे एंड योर फ्रेंडशिप्स विद, आपके दोस्त कौन है, आपके साथी कौन, किसके साथ आप तो वक्त गुजारते हैं मालूम पड़ जाए, आपके बिजनेस कार्ड में क्या लिखा हुआ है इससे मालूम पड़ जाए, दैट यू नो हु यू आर, आपका लिबास क्या है, आप दिखते कैसे हैं मालूम पड़ जाएगा, कौन से डायरेक्शन में है, न्यूयॉर्क के डायरेक्शन में है, लंदन के डायरेक्शन में है या मक्के के डायरेक्शन, मालूम पड़ जाएगा कौन सा आपका डायरेक्शन है, आपके लिबास से पता चल जाएगा, आपके दोस्तों से पता चल जाएगा। आप पूछ लीजिए कौन सी किताब आपने पढ़ी जिंदगी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, स्कूल का छोड़कर आप कौन सी किताबें पढ़े हैं, नॉवेल्स, स्टोरी बुक्स, दिल बहलाने के लिए, कुरान क्यों नहीं पढ़े? हमारा डायरेक्शन अलग है, हम सोच रहे हैं जन्नत को जाने का। मौलाना मौदूदी इसका बड़ा प्यारा ये दिए हैं एग्जाम्पल, एक ट्रेन है जो जा रही है, ट्रेन है जहन्नम के रास्ते में जा रही है, लंदन के रास्ते में जा रही है, न्यूयॉर्क के रास्ते पर जा रही है, और तुम हो कि क़िबला रुख बैठे हैं ट्रेन में, वी आर सिटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ जन्नत, ट्रेन जा रही है कहीं और तुम सोच रहे हैं मैं तो बिल्कुल जन्नती हूं, देखो कितना अच्छा दिख रहा हूं, फाइन दस कहाँ जा रहे हैं, ट्रेन कहाँ जा रही है वो देखो ना, कौन सी किताबें तुम पढ़ रहे हो, कब सोते हो, कब जागते हो, कौन आपके दोस्त हैं, आपका वक्त कहाँ गुजर रहा है, आपके पैसे कहाँ गुजर रहे हैं, आप डोनेशन कौन सी सीट के लिए जा रहे दे रहे हैं, और किस चीज से आपको खुशी हो रही है और किस चीज से गम हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मशहूर वाकया आप जानते हैं कि सुबह में एक बकरा कटा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम से चले गए, शाम में आते हैं अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर, पूछते हैं सुबह में जो बकरा कटा, अफसोस के साथ कहते हैं थोड़ी सी आह, पूरा दे दले जी, क्या अभी ने अभी की चकरान बच को है, देखो फौरन कहा नहीं, जो दे दिया वो बच गया, जो दे दिया वो बच गया, जो रह गया वो बेकार हो जाएगा। सोच, फाइन अंतर, तुम्हारी सोच क्या है, कौन से डायरेक्शन में है, खाने, बचाने, जमाने के डायरेक्शन में, कोई और डायरेक्शन में तुम्हारी जिंदगी गुजर रही। ऑल दिस टेल्स ए स्टोरी, चुनांचे कुरान में बार बार ये बातें आती हैं कि वमा लकुम, क्या हो गया तुम, क्यों आप ऐसे काम कर रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं सूरह
इसके अंदर एक बहुत अच्छी आयत है सूरह आराफ में चैप्टर 7 में 175 कहीं आती है कि अल्लाह ताला उस शख्स का एग्जांपल देते हैं कि जिसको अल्लाह ताला ने रास्ता दिखाया, बताया सीधा रास्ता, मगर उसने उस रास्ते को छोड़ा और जमीन से चिपक गया। जमीन से चिपकना बोले तो नहीं साहब, क्या नहीं मेरे बच्चे डॉक्टर हो जाते, मुझे एक घर होना, मुझे एक कार होना और एक दो सही टांग कांते भी ले लेंगे और उसके बाद में हज कर ले को इंशाल्लाह अच्छा। माल की मोहब्बत ने उसको जमीन से चिपकर अल्लाह ताला उसको उठाकर ऊपर लेना चाहते। यत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, अपने आप की तरफ खींच रहा था, खुरबत चाह रहा था अल्लाह ताला, आजा मेरे बंदे मेरे पास, मगर वो कह रहा था नहीं नहीं, मंजे ये जमीन में छोना, ये घर होना, यहां ज मरूंगा, मर रास्ता अल्लाह चाहते हो तो चुनांचे अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमसे कहते हैं खुल, उनसे कह दो लोगों से खुल औ नब्बेकुम बिखैर मिन ज़ालिकुम, ये जो तुम जिंदगी इख्तियार किए, ये जो तुम्हारे एस्पिरेशन हैं सक्सेस के और माल के और बीवी बच्चों के और पता नहीं क्या, इससे हटकर मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, समथिंग मोर, ए डिफरेंट डायरेक्शन। वो डायरेक्शन क्या है? वो डायरेक्शन ये है कुल नबिकुम बिखैरि मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीन तखौ इन रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अन्हारु खालिदीन फीहा व अज़वाजुम मुतहरतुन व रिदवानुम मिन अल्लाह वल्लाहु बसीरुन बिल-इबाद अल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना इन्ना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़ीना अज़ाबन नार الصابرين والصادقين والخانقين والمنفقين والمستغفرين. वो जन्नत का रास्ता, वसी जन्नत का रास्ता, उस डायरेक्शन में तुम जाओ। और कुरान ये अल्फाज इस्तेमाल करता है उस रास्ते के लिए, साबिखू, रेस लगाओ, एक दूसरे में सबकत हासिल करो, मैं फर्स्ट तू फर्स्ट हो जाओ सीईटी में। अभी परसों आईएएस का एग्जाम का रिजल्ट आया, 25 की 30 की कितने की लोग हमारे आईएएस के ऑफिसर्स बनने वाले हैं, वो सब वो लोग पूरा मीडिया, वही सोशल मीडिया इज लाउड विद दैट। अच्छा, यही है आपका, यही आप चाहते हो दुनिया की इज्जत, बहुत खुश हो गए ना आप 25-30 वो भी कितने 750 में, वो भी बाद के रैंक का, अरे हाँ, उस चीज ने आपको बहुत खुश कर दिया, मगर आप जन्नत के रास्ते में कहां है? कितने लोग जान दिए अल्लाह के वास्ते, how many people squeeze themselves yashri nafsahu bitigha marzatillah, allah ke marzi hasil karne ke liye, jannat ko hasil karne ke liye, kisne faqe ko bhook ko sambhala, kisne apne ghar ko chhod kar bahar, kisne shaadi uske liye ki, kisne bacche uske liye ki, kisne apne bachchon ko aise courses mein dala ki tu jannat ko ja, sabiqu, सबखत करो, रेस लगाओ, कंपीट करो, कोर्सेस लियो, अल्लाह ताला मग़फ़िरत की तरफ, अल्लाह की रिजा की तरफ, अल्लाह की जन्नत की तरफ, साबिखु इला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा का अर्ज़ समा व अर्ज़, अरे उसके तो उस्तें जमीन और आसमानों से बढ़ मुल्कन कबीरा, जब आप देखेंगे उस जन्नत को तो कहेंगे अल्लाह ये किसका है, अरे तेरा भाई, इतना बड़ा मुल्कन कबीरा, ब्यूटी देर इज इन 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 दैट कुरान। क्या चाहते हो? क्या वाकई जन्नत? सारिउ, कहा सरअत, बी फास्ट, अर्जेंट। एक साहबी का वाकया मिलता है, वो भी आप जानते हैं, खजूर खा रहे थे, अल्लाह के नबी से पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे वहां उस जंग में जाकर शहीद हुआ तो क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जन्नत में। ऐसा अयो खजूर खा क्यों खाऊं, खजूर फेंका गया, जन्नत जाकर लड़े, खतल हुए, शहीद हुए और जन्नत, यानी खजूर खाने की फुर्सत भी नहीं, जन्नत को हासिल करना है भाई, जल्दी करो, साबिकु सारियु फफिर्रू इलल्लाह, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ। बड़े हाल ये हम सवाल अपने आप से बार बार करते रहे कि वो क्या मकसद है, कौन सा रास्ता है, नेकी का
सूरतुल मुमिनून में पढ़ लीजिए, कौन सा रास्ता है, बोलें तो सच बोले फिर जन्नत की ख्वाहिश करें। दिल में निफाक ना हो, अमल में रिया ना हो, आंखों में खयानत ना हो, ये रास्ता अगर हमने अख्तियार किया। दुआ करें हमेशा कि अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकर रिदा का वल जन्ना, मुझे तेरी रजा का रास्ता बता, तेरी खुर्बत का रास्ता बता, तेरी मोहब्बत का रास्ता बता। अल्लज़ीन आमनु अशद्द हुब्बल लिल्लाह, जब इंसान को किसी से शदीद मोहब्बत हो जाती तो वो क्या क्या नहीं करता सर, क्या क्या नहीं करता। उस मोहब्बत के रास्ते में जल्दी करो जन्नत, अपने जान को लगा दो, अपने पैसे को लगा दो, अपने वक्त को लगा दो, उसके लिए किताबें पढ़ो, उसके लिए अल्लाह के सामने खड़ जाओ, दुआएं मांगो, रोजे रखो, झूठ कभी। बहरहाल हमारे से बहुत उम्मीदें अल्लाह ताला और उसके रसूल रखते हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, हमने बड़े वादे किए हैं अल्लाह ताला के। आज इस वक्त हमारी जिंदगियों को देखकर लगता है कि हम ये सब भूल गए, धोखा खा और उसी बेवकूफी में पड़े हैं, गधों के जैसा, पागल कुत्तों जैसा, इधर से उधर, उधर से इधर, ना सऊदी में, सऊदी में गए तो इंडिया याद आता है, इंडिया को गए तो सऊदी याद आता है, अमेरिका को गए तो इंडिया याद आता है, नहीं जाना था कहता है, फिर इंडिया में रहे तो अमेरिका याद आता है, यहां तक कि मौत आ जाती है। आइए हम इस सवाल को बार बार पूछकर अपने दिल को छिछोड़े, कहां जा रहे, अपना वक्त कहां लगा रहे, तुम्हारा मतमह नजर क्या है, किसको खुश करने की कोशिश करें, क्या अपने आप के नफ्स को आप मार के आप अल्लाह की रजामंदी हासिल कर सकोगे, जो आपका दिल पसंदीदा माल आप अल्लाह के रास्ते में दे दो, अपना वक्त अल्लाह के रास्ते में दे दो, खुदा को कैसे खुश करो, खुदा से कैसे मोहब्बत करो, इस चीज में आप डूब जाए और फिर जन्नत की ख्वाहिश में ये सब काम हम करते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद से, उसकी समझ से, उसकी फहम हम सबको दे, इस पर अमल करने की हम छोटी छोटी कोशिशें करें और उसमें जो कोताहियां हो जाएं अल्लाह ताला सबको माफ करे और हम वो एक रास्ता ढूंढते चले जाएं जिसको नूर कहा, जिसको कामयाबी कहा, फलाह कहा, जिसको अमन कहा, और वो दूसरे गलत रास्तों को डार्कनेस का, जुलुमात का, खसारा का, हैरान और गरूर कहा, कि तकबुर तुगियान कहा, यामहून कहा, ब्लाइंडनेस कहा, बेवकूफ़ी कहा, अल्लाह ताला हम वो उस रास्ते से बचाए और नेक तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।